एम शो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा। फाइव डिफेक्टिव बोल्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विथ 20 गुड वंस। यानी कि टोटल कितने बोल्ट्स है हमारे पास, 20 + 5, जिसमें से 20 गुड है एंड 5 क्या है, डिफेक्टिव है। टोटल है 25। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। यानी कि डिफेक्टिव बल्ब के लिए हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। इफ 4 बोल्ट्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस प्लॉट। यानी कि कितने सिलेक्ट करने हैं, टोटल है 25, उसमें से सिलेक्ट करने हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी किसके लिए, 4 बोल्ट सिलेक्ट करने हैं एंड हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डिफेक्टिव बोल्ट्स के लिए। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 5 वोल्ट जो है वो डिफेक्टिव है, प्लस 20 वोल्ट जो थे वो गुड थे। तो टोटल कितने हो गए वोल्ट्स, 25 टोटल हो गए हमारे वोल्ट्स। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी टर्म एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, उसको लिखते हैं नंबर ऑफ एस यानी कि सैंपल स्पेस। ये क्वेश्चन के लिए है, ये टोटल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको नंबर ऑफ एस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ एस यानी कि टोटल आउटकम कितने होते हैं, कि टोटल बोल्ट्स कितने हैं, 25, उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं, 4। यानी कि 25 में से एनी 4 को हमको सिलेक्ट करना है, यानी कि 25 सी। तो यहाँ पे एक नई चीज आई, 25C4। तो उसके लिए आपको एन सी आर की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। एन सी आर की फॉर्मूला होती है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, जहां पे एन की जगह पे है 25, आर की जगह पे है 4। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, 25 फैक्टोरियल अपॉन आर की जगह पे 4 फैक्टोरियल, एन माइनस आर यानी कि 25 - 4 बचा क्या, 21 फैक्टोरियल। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 25 * 24 * 23 * 22 * 21 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 * 3 * 2 * 1 * 21 फैक्टोरियल। 21 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 * 4 12 12 * 2 = 24, यानी कि ये 24 यहाँ से 24 के साथ कैंसिल। अगर 25 * 23 * 22 करेंगे तो हमारा आंसर होगा 12650। ये मिल गया हमको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि 25 में से 4 बोल्ट सिलेक्ट करेंगे तो इतने पॉसिबल चांसेस है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या है कि डिफेक्टिव बोल्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, यानी कि 0 बोल्ट सिलेक्ट होगा, 1 बोल्ट सिलेक्ट होगा, 2 बोल्ट, 3 बोल्ट एंड 4 बोल्ट। टोटल 5 कंडीशन हमको फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहला चीज ए ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी में, जहां पे क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 0 डिफेक्टिव बोल्ट्स आएंगे। तो नंबर ऑफ एस तो पता है, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। यानी कि 0 डिफेक्टिव, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4 बोल्ट हम सिलेक्ट कर रहे वो क्या होंगे, गुड होंगे, यानी कि 20C4।
चलिए फॉर्मूला, 20 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 20 माइनस 4 यानी कि 16 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई, 20 × 19 × 18 × 17 × 16 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2 × 1 × 16 फैक्टोरियल। 16 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल कैंसिल। 3 × 2 6, 6 × 3 18, 4 × 5 20। तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 का तो हमको मिलेगा 4 8 4 5। चलिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए की वैल्यू पता है, एस की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू 4 8 4 5 अपॉन 1 2 6 5 0। अभी इन दोनों को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 9 6 9 अपॉन, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2 5 3 0। तो ये हो गया हमारा जब 0 डिफेक्टिव बोल्ट हम सिलेक्ट करेंगे तब। उसी तरह से फाइंड करना है कि जब 1 बोल्ट क्या होगा, डिफेक्टिव होगा, उसको ले लेते हैं बी सेकेंड क्वेश्चन। जब 4 में से 1 बोल्ट क्या है, डिफेक्टिव है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ बी फाइंड करते हैं, 1 बोल्ट क्या है डिफेक्टिव, टोटल डिफेक्टिव कितने थे 5, तो 5 में से 1 डिफेक्टिव यानी कि 5C1 इंटू, अभी टोटल सिलेक्ट करने थे 4, उसमें से 1 चला गया तो बाकी बचे 3, तो बाकी 3 कहाँ से आएंगे, गुड में से यानी कि 20C3। अभी ये पता होना चाहिए कि किसी का भी C1 है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ही आंसर फिर से मिलेगा यानी कि ये हो जाएगा 5 × 20C3 यानी कि 20 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 20 माइनस 3 यानी कि 17 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 × 20 फैक्टोरियल यानी कि 20 × 19 × 18 × 17 फैक्टोरियल अपॉन 3 × 2 × 1 × 17 फैक्टोरियल। 17 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 × 2 6, यहाँ पे 3 से कैंसल। इन चारों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मिलेगा 5 7 00। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस। नंबर ऑफ बी 5 7 00 अपॉन नंबर ऑफ एस क्या था, 1 2 6 5 0 1 1 0 कैंसल। इसको भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 5 से डिवाइड यानी कि ये मिलेगा 1 1 4 अपॉन, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 5 2 5 3। तो जब 1 बोल्ट डिफेक्टिव है तो उसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई 1 1 4 अपॉन 2 5 3। उसी तरह से हमको फाइंड करनी है कि जब 2 बोल्ट क्या है, डिफेक्टिव यानी कि सी, 2 बोल्ट क्या है डिफेक्टिव, उसके लिए प्रोबेबिलिटी। सेम नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 5 में से 2 डिफेक्टिव यानी कि 5C2, बाकी कितने बचे 2, टोटल 4 सिलेक्ट करने थे तो बाकी के 2 कौन कहाँ से आएंगे, 20 गुड में से 5C2 यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 20 माइनस 2 यानी कि 18 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 फैक्टोरियल यानी कि 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 1 × 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ से ये 2 कैंसिल इंटू, यहाँ पे देखिए 20 × 19 × 18 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 1 × 18 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 यहाँ से इसके साथ
10, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा 1900। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस, यानी कि 1900 अपॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ एस क्या था, 1265000। कैंसल, इसको भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 5 से डिवाइड, तो दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 38 अपॉन 253। तो ये हो गया हमारा आंसर कि जब 2 बोल्ट क्या है, डिफेक्टिव। अब उसी तरह से हमको फाइंड आउट करना है कि जब 3 बोल्ट क्या है, डिफेक्टिव है उसके लिए। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि जब हमारे 3 बोल्ट क्या है, डिफेक्टिव, यानी कि डी हम लेते हैं कि 3 डिफेक्टिव बोल्ट है, तो चलिए सेम वही करना है, नंबर ऑफ डी फाइंड करना है। टोटल डिफेक्टिव कितने थे, 5, 5 में से 3 डिफेक्टिव सिलेक्ट हो गए, बाकी बचा क्या, 1, यानी कि 20C1, 5C3। तो अगेन हमने आगे देखे, 5C3 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल, इनटू किसी का भी C1 है तो वो क्या होगा, उसका खुद का आंसर 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यही क्या होगा उसका आंसर, 5 इंटू 2 10, यानी कि 10 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 200। तो नंबर ऑफ डी क्या मिला, 200। तो उसी के लिए अगेन प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस, यानी कि 200 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या था, 1265000। कैंसल, इसको भी 5 से डिवाइड कर सकते हो, इसको भी 5 से डिवाइड, तो क्या मिलेगा, 4 अपॉन 253। तो जब 3 बोल्ट क्या है, डिफेक्टिव है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4 अपॉन 253। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे कि जब जो 4 बोल्ट है हमारे, वो 4 के 4 क्या है, डिफेक्टिव है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन ई इज इक्वल टू 4 बोल्ट आर डिफेक्टिव। तो इसको सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ ई फाइंड करना पड़ेगा। टोटल डिफेक्टिव कितने हैं, 5, 5 में से 4 डिफेक्टिव सिलेक्ट हो गए, बाकी तो कुछ बचा नहीं, तो वो तो क्या आएगा, 1। तो 5C4, किसी का भी सी अगर एक कम है तो उसका ही वही आंसर मिलता है, तो क्या आंसर मिलेगा, 5। तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस, ई की जगह पे 5 अपॉन एस की जगह पे 1265000, इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो तो आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 253। यानी कि 4 बोल्ट डिफेक्टिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 अपॉन 253। अब ये तो हो गई सारी प्रोबेबिलिटी, अब आते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली है क्या, कि हमने जो आंसर लिखे उसको सिर्फ एक ब्रैकेट में हमको कलेक्ट करना, यानी कि इसको ऐसे लिखना है कि यहाँ पे इसको हमको ऐसे लिखना है, यहाँ पे लिखते हैं एक्स, एक्स की जगह पे मतलब 0 डिफेक्टिव बोल्ट, 1 डिफेक्टिव बोल्ट, 2 डिफेक्टिव बोल्ट, 3 एंड 4, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या मिली, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। चलिए 0 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या मिली थी हमको, 969 अपॉन 2530, 969 अपॉन 2530।
उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ वन क्या मिली थी, 1 1 4 अपॉन 2 5 3, 1 1 4 अपॉन 2 5 3। उसी तरह से टू के लिए मिली थी 38 अपॉन 2 5 3, 38 अपॉन 2 5 3। उसी तरह से थ्री डिफेक्टिव के लिए 4 अपॉन 2 5 3, एंड फोर डिफेक्टिव के लिए 1 अपॉन 2 5 3 0। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ये हो गया लास्ट आंसर।